हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से वर्ड प्रॉब्लम्स में बोट वाले कुछ क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ऑल्दो मेरे एक दो वीडियो अगर आप पहले जाएंगे तो आपको दिखेगा उसमें कि मैंने बोट वाला ऑलरेडी एक या दो प्रॉब्लम सॉल्व किया हुआ है, लेकिन मेरे पास फिर से बोट के एक दो क्वेश्चंस और हैं जो बहुत अच्छे हैं, जो बच्चों ने मुझे बाकायदा बताया कि आप इसको भेज सॉल्व करें, तो मैं उसको सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। आप देखिए, अ बोट कवर्स 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। मैंने आप लोगों को पुरानी वीडियो में बता रखा है कि अपस्ट्रीम का कॉन्सेप्ट क्या है, डाउनस्ट्रीम का कॉन्सेप्ट क्या है, आप उसको रेफर करें, लेकिन फिर भी इन शॉर्ट मैं आपको बता दूंगा कि अपस्ट्रीम का मतलब होता है, अपस्ट्रीम का मतलब होता है बहाव की उल्टी दिशा में चलना। मतलब पानी का अगर बहाव, करंट, पानी अगर इस डायरेक्शन में बह रहा हो, इस डायरेक्शन में, और आप या आपका बोट इस डायरेक्शन में जा रहा हो उल्टा, तो इसको अपस्ट्रीम कहते हैं। अपस्ट्रीम जाने में बहुत ताकत की जरूरत पड़ती है, बहुत एनर्जी की जरूरत पड़ती है। आप खुद अगर तैर रहे हो तो बहुत ताकत चाहिए आपको, और अगर बोट जा रहा है तो बोट को बहुत एनर्जी, बहुत ताकत की उसको भी जरूरत पड़ती है, तभी वो अपस्ट्रीम में चल पाता है। अगर बोट की स्पीड कम होगी और स्ट्रीम की स्पीड बहुत ज़्यादा होगी तो बोट को उठाकर मतलब एकदम पीछे की तरफ धक्का दे देगा। आपने अभी रिसेंटली उत्तराखंड में बाढ़ आई थी बहुत ज़्यादा, अगर उसका वीडियो अगर आप देखेंगे जाके यूट्यूब पे, तो जो बाढ़ आई थी अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। जो भी चीज़ रास्ते में आए, चाहे जितना भी भारी, जितना भी कुछ, वो उसको उठा करके फेंकता चला गया एकदम पीछे की तरफ। अगर उसमें लगता है कि आपको स्टीमर या एक बड़ा सा भी बोट अगर जा पाएगा तो आप गलतफहमी में है। अगर उसमें बोट जाएगा तो बोट को तो पता नहीं कहाँ से कहाँ उठा के फेंक देगा। तो पानी का करंट इतना ताकतवर होता है। तो कभी भी अपस्ट्रीम जाना हो तो बोट की स्पीड हम मान के चलेंगे कि बहुत ज़्यादा है, तभी वो अपस्ट्रीम में जा पाएगा, अदरवाइज जा ही नहीं पाएगा। अगर अपस्ट्रीम में अगर स्ट्रीम मतलब पानी की जो करंट है, पानी का जो बहाव है, उसका स्पीड बोट की स्पीड से अगर ज़्यादा हो गया तो बोट आगे ही नहीं जा पाएगा। ये वैसा ही है जैसे अगर आंधी में अगर आप दौड़ रहे हो, अगर आंधी मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में अगर आंधी जा रही हो और आप इस डायरेक्शन में दौड़ रहे हो, अगर आंधी बहुत तेज है तो आप विश्वास कीजिए आप दौड़ ही नहीं पाएंगे। दौड़ना तो बड़ी दूर की बात है, आपको आंधी पीछे की तरफ धक्का दे देगी। और अगर आंधी इस डायरेक्शन में है और आप भी इसी डायरेक्शन में अगर दौड़ रहे हो तो आंधी, आप थोड़ा सा दौड़ेंगे, आंधी आपको पूरा उठा करके एकदम जहां पहुंचना पहुंचा देगी। मतलब हो सकता है आप गिर भी जाएं। अगर आंधी थोड़ी सी भी तेज चल रही हो तो अगर आप उसमें दौड़ने की कोशिश करेंगे सेम डायरेक्शन में, तो हो सकता है आप गिर जाएं, क्योंकि बहुत आपकी स्पीड बढ़ा देता है और उतना स्पीड से आप दौड़ नहीं पाएंगे। तो हमेशा यही कॉन्सेप्ट होता है। तो अपस्ट्रीम में याद रखिएगा कि बोट का स्पीड, स्पीड ऑफ द बोट, इसके बारे में और डिटेलिंग मैंने इसके पुराने वीडियो में, जिसमें बोट के क्वेश्चंस हैं, आप उसको देखें, उसमें पूरे अच्छे से मैंने डिटेल दिया हुआ है। स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम होता है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम कह लीजिए, करंट कह लीजिए, आप कुछ भी कह सकते हैं। एक बात यहाँ बोलना जरूरी है कि यहाँ स्पीड ऑफ बोट पहले आएगा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम बाद में आएगा, आप उल्टा नहीं कर सकते। अगर स्पीड ऑफ स्ट्रीम अगर आपने पहले लिख लिया और स्पीड ऑफ बोट अगर आपने बाद में लिखा, तो आप ये मान के चल रहे हैं कि स्ट्रीम का स्पीड ज़्यादा है बोट के स्पीड से, और अगर ऐसा होगा तो कभी भी बोट आगे नहीं जा पाएगा, कभी नहीं जा पाएगा, बोट आगे की जगह पीछे चला जाएगा, तो फिर अपस्ट्रीम कहने का कोई मतलब नहीं रहेगा। अपस्ट्रीम तो यही हुआ ना कि उसके अगेंस्ट आगे जाएगा, आगे तो गया नहीं, हो तो और पीछे चला गया। और डाउनस्ट्रीम में उल्टा होता है, डाउनस्ट्रीम में क्या होता है कि बोट थोड़ी सी ताकत लगाएगा ना, थोड़ी सी भी, अगर हल्की सी भी ताकत लगाएगा, नहीं भी लगाएगा, चुपचाप खड़े, अगर आप ऋषिकेश वगैरह गए हो और वहाँ पे अगर आप देखेंगे कि गंगा जिस तरफ बह रही है, आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें उस पर अगर रख दी जाए तो आप देखेंगे खुद ही वो बहता हुआ चला जाएगा, उसमें उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, खुद ही बह जाएगा। तो जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम होगा, जो बहाव का स्पीड होगा, उसी स्पीड में वो आगे जाएगा। ये कुछ वैसा ही है जैसे आप बाइक पे बैठते होंगे तो जो बाइक आगे चला रहा है उस तो गाड़ी की स्पीड को देख रहा है, तो गाड़ी का पहिया घूम रहा है, आपका तो पैर उतनी तेज़ी से नहीं घूमता, लेकिन अगर गाड़ी की स्पीड अज्यूम कर लेते हैं 40 किलोमीटर पर आवर है, मतलब आपके बाइक की या कार की, तो आपकी भी स्पीड तो 40 किलोमीटर पर आवर है, आपकी भी स्पीड उतनी ही है ना। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है कि अगर बोट अपना इंजन स्टार्ट कर देगा तो स्ट्रीम का तो बहाव अपना है ही,
और बोट उसके ऊपर और अपनी स्पीड से, तो थोड़ा सा भी इंजन में अगर ताकत लगाएगा तो फटाफट 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 पहुंच जाए, तो डाउन स्ट्रीम में दोनों का स्पीड ऐड हो जाता है। स्पीड ऑफ बोट जो होता है वो स्ट्रीम के साथ ऐड हो जाता है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम के साथ ऐड हो जाता है। ये होता है डाउन स्ट्रीम का मतलब और सेंस। तो इसमें बोला गया है अ बोट कवर्स 32, और ये तो आप जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का कॉन्सेप्ट, ये तो आपको बताया गया है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अकॉर्डिंगली जैसी जरूरत है आप वैसा कर सकते हैं। अ बोट कवर्स 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम, एक बोट जो है 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम मतलब पानी के अगेंस्ट जाता है, एंड 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 7 आवर, और जहाँ जाता है फिर वापस आता है 36 किलोमीटर, और ऐसा करने में उसको 7 आवर्स लगते हैं। तो जाहिर सी बात है जाने में जो टाइम लगा है और आने में जो टाइम लगा है दोनों टाइम को मिला देंगे तब 7 आवर्स लगा है। आई होप यू अग्री विद दिस। तो जाने में कितना टाइम लगा है वो देख लेते हैं। तो डिस्टेंस हमारे पास कितना है, 32 किलोमीटर दे रखा है, तो 32 किलोमीटर डिवाइडेड बाई, ये अपस्ट्रीम है तो अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो मैंने बोट और स्ट्रीम की स्पीड तो तय नहीं की है मैंने, तो मैं लिख लेता हूँ इसी में, कलर चेंज कर देता हूँ कि लेट द स्पीड ऑफ बोट, पी है पी है, स्पीड ऑफ बोट पी पी किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम पी एस किलोमीटर पर आवर। ये ध्यान रखिएगा सब स्टैंडर्ड यूनिट किलोमीटर पर आवर होता है, इसलिए मैंने पर आवर में लिया। तो 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम गया है ये, तो अपस्ट्रीम में क्या होगा, बोट का स्पीड माइनस स्ट्रीम का स्पीड, तो बोट का स्पीड क्या है हमारे पास, बी माइनस एस, तो बी माइनस एस कर देंगे तो ये स्ट्रीम का पूरा स्पीड हो जाएगा। बोट माइनस बोट का स्पीड माइनस स्ट्रीम का स्पीड करेंगे तो अपस्ट्रीम के बारे में पता लग गया कि अपस्ट्रीम जाने में क्या स्पीड होगी उस, ये होगी। तो 32 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है, डिवाइडेड बाय स्पीड कर देंगे, आप देखिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड करते हैं तो क्या मिलता है, टाइम, तो क्योंकि टाइम दे रखा है हमारे पास 7 आवर्स लग रहा है, तो ये टाइम मिल गया हमें कि ऊपर जाने में पानी के बिल्कुल ऑपोजिट जाने में कितना टाइम लगा वो पता लगेगा, एग्जैक्ट नंबर अभी नहीं पता है बट वो लगेगा, ये बात तो तय है। हम जानते हैं टाइम को टाइम से ही ऐड किया जा सकता है, टाइम से ही इक्वेट किया जा सकता है। अब आने का देखते हैं, लिखा हुआ 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम के लिए क्या होगा, बोट प्लस स्पीड दोनों का स्पीड ऐड होगा, तो बोट प्लस स्पीड दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हमारा कितना हो गया, 7 आवर्स। ये एक इक्वेशन हमारा। दूसरा इक्वेशन अब लेते हैं हम लोग, दूसरा इक्वेशन है कि इट कवर्स 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 9 आवर्स, और यही बोट 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है, तो ये रहा मैं लिख देता हूँ 40 डिवाइडेड बाय अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम के लिए क्या स्पीड होगी, मतलब ऊपर जब जाता है पानी के उल्टी दिशा में तो बोट की क्या स्पीड रहेगी, और बोट की स्पीड रहेगी बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड, तो ये है बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड प्लस 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो 48 डिवाइडेड बाय बी प्लस एस, ऐसा करेंगे तो 9 आवर्स लगता है। बोला गया कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ स्ट्रीम भी आप निकालिए, मतलब बोट की स्पीड निकालनी है और स्ट्रीम की स्पीड। तो ऐसे क्वेश्चंस को मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ, इस तरह के सिंप्लीफिकेशंस कैसे करते हैं लीनियर इक्वेशन में मैं बता चुका हूँ सिंप्लीफिकेशन के दौरान, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ आप देख लीजिए। देखिए बी माइनस एस, बी माइनस एस दोनों रिपीट हो रहा है ना, वन में वन अपॉन में, तो इसको अगर हम चाहेंगे दोबारा लिखना तो ऐसे लिख सकते हैं इसको हम लोग 32 इंटू वन अपॉन बी माइनस एस प्लस 36 इंटू वन अपॉन बी प्लस एस, दिस इज इक्वल्स टू 7, और यही काम हम इसके साथ भी कर सकते हैं, है ना। तो मैं स्पेस वेस्ट नहीं करता हूँ, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये बात आप यहाँ पे समझ गए हों। 40 इंटू वन अपॉन बी माइनस एस, चलिए लिखी लेता हूँ अब मैं, प्लस 48 मल्टीप्लाइड बाई वन अपॉन बी प्लस एस इक्वल्स टू,
मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 1 अपॉन बी माइनस एस इक्वल्स टू टी ले लेता हूँ, 1 अपॉन बी प्लस एस इक्वल्स टू एम ले लेता हूँ, ये ले लिया मैं। तो 1 अपॉन बी माइनस एस को अगर टी ले लेंगे तो ये हो जाएगा 32 टी प्लस 36 एम इक्वल्स टू 7, ये हमारा एक इक्वेशन तैयार हो गया। और इसी तरह से दूसरा भी है 40 टी प्लस 48 एम इक्वल्स टू 9, ये हमारा दूसरा इक्वेशन। ओके, तो अब इसमें आपको टी और एम की वैल्यू निकालनी है। क्या मैं ये यहीं छोड़ सकता हूँ? मैं एक्सपेक्ट करूँ कि आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। हाँ, मुझे विश्वास है कि अब तक तो आप लोग कर लेंगे अगर आपने पुराने वीडियोस को ठीक से देखे और उसके सम आपने सॉल्व किए हैं तो। लेकिन मैं आपको करके सॉल्व करके दिखा देता हूँ। देखिए, इसमें अगर आप एलिमिनेशन करेंगे तो बहुत बड़े बड़े नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 32 और 40 का एक कॉमन एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम में जो आएगा फिर उसे सब, वो तो बहुत बड़ा नंबर होगा। तो मैं बेहतर है कि इसको सब्सटीट्यूशन से कर लूँ या तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। लेट मी डू इट बाई सब्सटीट्यूशन। तो मैं सब्सटीट्यूशन से करता हूँ। तो फर्स्ट इक्वेशन से मैं टी निकाल लेता हूँ। तो 32 टी इक्वल्स टू 7 माइनस 36 एम, तो t इक्वल्स टू 7 माइनस 36 एम अपॉन, ये मैंने कैलकुलेट कर लिया, t की वैल्यू मैंने ये निकाल ली है। अब ये जो t की वैल्यू निकाली है इसको हम सेकेंड वाले में प्लग करेंगे। मुझे विश्वास है कि ये बात आप जानते हैं। तो 40 मल्टीप्लाइड बाय, देखिए इसी बहाने आप बड़ा बड़ा कैलकुलेशन भी सीखेंगे, 7 माइनस 36 एम डिवाइडेड बाई 32 प्लस 48, एम की जगह एम ही है इक्वल्स टू, अब देखिए एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया एम और एक इक्वेशन। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे कैंसल आउट कर सकते हैं, 85 जो 40 एंड 84 जो 32, छोटा हो गया, इजी हो जाएगा। तो 75 जो 35 माइनस 36 मल्टीप्लाई 5 कर लेते हैं, तो 56 जो 3, 3, 5, 3, 15, and 3, 100 in divide MBA divided by 4, मैं पूरा स्टेप लिख रहा हूँ, plus 48 M equals to 9। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो दिस इज 35 माइनस 180 M प्लस LCM ले लेंगे, तो 84 जो 32 बैलेंस 3, 44 जो 16 and 3 19 192 M इक्वल्स टू, अब 4 ये सबके नीचे आ जाएगा तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई 94 जा, तो सॉल्व करते हैं, 192 एम माइनस 180 एम क्लियरली 12 एम इक्वल्स टू 36 माइनस एम की वैल्यू मिल गई आपको 1/3। विश्वास है कि आगे आप कर पाएंगे। अगर एम की वैल्यू मैं यहाँ पे प्लग कर दूँ या कहीं और डाल दूँ जहाँ पे भी टी और एम दोनों है वहाँ पे टी की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं इसको यहाँ पे प्लग कर देता हूँ। देखिए t इक्वल्स टू 7 माइनस 36 मल्टीप्लाइड बाई 1/12 डिवाइडेड बाई 32, तो t इक्वल्स टू 12, 3 जा 36, तो 7 माइनस 3 रह गया, 7 माइनस 3 इज 4 बाई 32, t इक्वल्स टू 8, 4 जा 32 बाई 8। अब आपने क्या ज्यूम किया था, देखिए फिर से 1 बाई एक्स प्लस वाई को या 1 बाई ए प्लस बी को शायद आपने टी ज्यूम किया था, 1 अपॉन बी माइनस एस को, 1 अपॉन बी माइनस एस को टी, 1 अपॉन बी प्लस एस को एम ज्यूम किया था। अब हम स्टार्ट करते हैं, 1 अपॉन बी माइनस एस को हमने टी लिया था, 1 अपॉन बी माइनस एस इक्वल्स टू टी, तो टी की वैल्यू क्या निकली है देख लीजिए आप यहाँ पे, टी की वैल्यू निकली है 1/8, This is equals to 1/8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको इधर, तो b माइनस एस इक्वल्स टू 8 आ जाएगा। ये हमारा एक क्वेश्चन इक्वेशन नंबर, और 1 बाई बी प्लस एस को हमने m एज्यूम किया था, तो m की जगह हमारे पास है 1/12, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो हमारे पास आ जाएगा b प्लस एस इक्वल, ये हमारा दूसरा इक्वेशन आ गया। तो ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, b प्लस एस इक्वल्स टू हमारे पास फोर्थ इक्वेशन।
दोनों को सॉल्व कर लेंगे, एस से एस कैंसिल, बी प्लस बी इज 2b इक्वल्स टू 12 प्लस 8 इज 20, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 बाई 2 इज 10। क्या बी की वैल्यू, अब बी की वैल्यू कहीं पे भी रख देंगे, यहाँ रख देते हैं 10 माइनस एस इक्वल्स टू 8, माइनस एस इधर आ जाएगा प्लस एस, 10 माइनस 8 कितना हो गया 2, 2 इज इक्वल्स टू एस, इसकी वैल्यू कितनी आ गई। एस क्या था हमारे पास, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, तो आप लिखेंगे देयरफॉर स्पीड ऑफ द स्ट्रीम ऑफ स्ट्रीम इक्वल्स टू 2 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बोट इक्वल्स टू कितना है नेक्स्ट वाला, एक कितना 10 किलोमीटर पर आवर। ये आपका एक और क्वेश्चन मैंने स्पीड और टाइम से जुड़ा हुआ बोट वाला क्वेश्चन कर दिया, मुझे विश्वास है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें मैंने सिंप्लीफिकेशन के लिए बहुत सारा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, वो इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं ज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप अगर यहाँ तक पहुँचे हैं तो आपने सिंप्लीफिकेशन मतलब सब्सटीट्यूशन मेथड और दूसरे मेथड सब आपको आते हैं कैसे कैलकुलेट करने हैं, तो इसलिए मैंने उसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन आपको नहीं दिया है। आपको अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो इसके लिए पुराने मेरे वीडियोज़ को चेक कीजिए जिसमें मैंने सिंप्लीफाई किया है, आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ओके, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, देखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास। एक और बोट वाला मैंने देखा था अभी कहीं रखा था, तो देख लेता हूँ कि बोट वाला क्वेश्चन कहाँ, तो वो कर दूंगा। ये मैंने कर दिया था आप लोगों के लिए, और इसके बाद एक और है, एक और है, तो इसका सिर्फ मैं इक्वेशन बना के छोड़ दूंगा और मैं विश्वास करता हूँ कि आप बना लेंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का प्रॉब्लम है ये, तो देखता हूँ अगर मुझे लगेगा तो मैं पूरा बना दूंगा, अदरवाइज एक सर्टन पॉइंट तक छोड़। अ मोटर बोट कैन ट्रैवल 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 28 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम 7 आवर्स। एक मोटर बोट जो है 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है, तो आपको अभी अभी बताया मैंने अपस्ट्रीम के लिए क्या होता है, अपस्ट्रीम बोट का स्पीड, तो मैं मान लेता हूँ कि बोट का स्पीड बी है और स्पीड का स्ट्रीम स्पीड एस है, जो अभी पिछले वाले में क्वेश्चन में मैंने ज्यूम किया था वही अजम्पशन मेरा यहाँ पे भी है। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, सो दैट की आपके लिए स्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के लिए क्या रहेगा, डाउनस्ट्रीम ई प्लस एस, सेम चीज रहेगा प्लस का साइन रहेगा। थोड़ा सा कि ये बात अभी जानते क्योंकि इसी वीडियो में मैंने अभी इससे पिछला क्वेश्चन यही बनाया है। तो अब बोला गया मोटर बोट कैन ट्रैवल 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 30 किलोमीटर वो अपस्ट्रीम जाता है, तो 30 किलोमीटर क्या है डिस्टेंस है और अपस्ट्रीम का मतलब बी माइनस एस है, तो ये देखिए डिस्टेंस है और ये बी माइनस एस क्या दिखाता है, बी माइनस एस दिखाता है अपस्ट्रीम जाने में क्या स्पीड होगी। बहुत लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि ये b माइनस एस क्या दिखा रहा है, हम ये तो जानते हैं अपस्ट्रीम दिखा रहा है, बट अपस्ट्रीम का क्या दिखा रहा है, अपस्ट्रीम का डिस्टेंस दिखा रहा है, अपस्ट्रीम का टाइम दिखा रहा है, अपस्ट्रीम का स्पीड दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, तो दोनों स्पीड है, स्पीड माइनस स्पीड करेंगे तो स्पीड ही आएगा ना, तो अपस्ट्रीम का स्पीड दिखा रहा है, मतलब पानी के करंट के उल्टा, करंट के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में जाने में क्या स्पीड होगी बोट की, तो वो होगी बोट का स्पीड में से स्ट्रीम का स्पीड कर देंगे, वही स्पीड एक्चुअली में बोट की रह जाएगी अपस्ट्रीम जाने में, ये इसका मतलब है। तो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है, 28 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम आता है, दोनों मिला के 7 आवर्स लेता है, तो 28 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम है, तो 28 अपॉन बी प्लस एस कर लेंगे, दिस इज इक्वल टू 7। नाउ इट कैन ट्रैवल 21 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड रिटर्न इन 5 आवर्स, मतलब एंड रिटर्न इन, बस एक छोटा सा वर्ल्ड का खेल खेला और कुछ नहीं किया, एंड रिटर्न इन 5 आवर्स, वो वापस भी आता है और ऐसा करने में 5 घंटा लगता है, लेकिन उसने ये नहीं दिया कितना किलोमीटर वापस आता है। तो बहुत बच्चे यही सोच के सोच रहे होंगे कि यार ये वापस आने का कितना किलोमीटर, ये तो नहीं, अगर कुछ नहीं लिखा है तो आप ये मान के चलेंगे कि जितना किलोमीटर अपस्ट्रीम गया है उतना ही किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में भी आया है, अगर कुछ नहीं दिया हुआ है
और ऐसा कोई स्टेटमेंट है कि जिसमें लिखा है 21 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड रिटर्न, अगर ये नहीं लिखा होता, सिर्फ लिखा होता 21 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 5 आवर, तब आप रिटर्न को कंसिडर नहीं करते, लेकिन क्योंकि ये लिखा हुआ है कि एंड रिटर्न, तो मतलब वापस भी आया है वो, और वापस कितना आया है, कुछ नहीं दिया हुआ तो 21 गया तो 21 ही आएगा, हम यही मान के चलेंगे। तो 21 किलोमीटर अपस्ट्रीम दैट इज बी माइनस एस प्लस 21 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम दैट इज बी प्लस एस, दिस इज इक्वल्स टू 5 आवर्स। बोला गया फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट एंड द स्ट्रीम, फिर से वही करेंगे, 1 अपॉन b माइनस s का नाम ले लेते हैं t, एंड 1 अपॉन b प्लस s का नाम ले लेते हैं y। सॉल्व करते हैं अब हम लोग, सॉल्व करने के लिए मैं दूसरा मार्कर उठा लेता हूँ, चलो। तो ये हो जाएगा 30 अपॉन b माइनस s, आप जानते हैं कि 30 अपॉन b माइनस s मतलब 30 इंटू, मैंने अभी जस्ट पीछे किया, 30 इंटू 1 अपॉन b माइनस s है, 1 अपॉन b माइनस s का नाम t है, तो 30t प्लस 28y हो जाएगा इक्वल्स टू 7। मैं दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ जिनको समझने में शायद पिछली बार दिक्कत होगा, कभी भी ऐसा लिखा हो डिनोमिनेटर में कोई वेरिएबल नहीं रहनी चाहिए, आप ये याद रखिए, डिनोमिनेटर में कांस्टेंट रह सकता है, कांस्टेंट का मतलब अगर x और y वेरिएबल है तो एक्स वाई ऊपर होना चाहिए, नीचे में a b c 2 3 4 कुछ भी रहे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए नीचे क्योंकि वेरिएबल है, और वेरिएबल इसलिए है क्योंकि इसी का स्पीड का जो बोट का स्पीड है उसको हमने बी माना है, स्ट्रीम का स्पीड को एस माना है, तो हम तो जानते नहीं है ना उसकी स्पीड कितनी है, और वही निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो वेरिएबल है। तो हम इसको लिख रहे हैं 30 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन b माइनस s, आप जानते हैं 30 मल्टीप्लाई 1 30 होगा, तो 30 अपॉन b माइनस s प्लस 28 इंटू 1 अपॉन b प्लस s इक्वल्स टू 7 है। तो अब आप देखें यहाँ पे, तो 31 अपॉन b माइनस s का ही नाम आपने t रखा है, तो ये t हो गया ना, इसीलिए यहाँ पे 30t प्लस 28y इक्वल्स 7 लिखा है। और इसी तरह से इसको भी करेंगे, तो 21t प्लस 21y इक्वल्स 5। अब आप दोबारा दोनों को सॉल्व कर सकते हैं फिर से, तो मैं सेकेंड वाले में से t की वैल्यू निकाल लेता हूँ, या y आपको जो अच्छा लगता है आप निकाल सकते हैं, मैं इसमें सब्स्टिट्यूशन लगा लेता हूँ, 21t इक्वल्स टू 5 माइनस 21 y, तो t इक्वल्स टू 5 माइनस 21 y अपॉन 20। इसको हम लोग क्या करेंगे, जहाँ से निकालते हैं वहाँ नहीं रखते, दूसरे में रखते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, आप पहले पुराने वीडियोस को देखेंगे आपको सारे जवाब मिल जाएंगे, क्यों नहीं रखते हैं, क्या वजह है, सब बताया हुआ है। ठीक है, अगर मैं यहाँ रख दूंगा तो ये हो जाएगा 30 मल्टीप्लाइड बाई t, टी की जगह रखेंगे 5 माइनस 21 y डिवाइडेड बाई 21 प्लस 28 मल्टीप्लाई y इक्वल्स टू 7। तो आप देखेंगे एक ही इक्वेशन बन चुका है और वेरिएबल भी एक है, तो आराम से हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, 3 10 and 3 7 21। छोटा कर लेना हमेशा आसान रहता है, मतलब कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई 5 इज 50 माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाई 21 इज 210 y डिवाइडेड बाई 7 प्लस 28 y इक्वल्स टू 7। कैलकुलेशन आप ठीक करेंगे, यही सब कैलकुलेशन, इन्हीं सब जगह पे आपके कैलकुलेशन की ज़रूरत बहुत बढ़ जाती है, जितना अच्छा कैलकुलेशन होगा उतना अच्छा आप सॉल्व कर पाएंगे। तो ये हो जाएगा 50 माइनस 210 y प्लस, तो मल्टीप्लाई करेंगे, 8 7 56 balance 5 7 2 14 plus 5 is 9 this equals to 7 multiply 7 is 40। अब सॉल्व करते हैं, -210 + 196 हो जाएगा -14 y = 49 एंड 50 इधर चला जाएगा, तो 49 - 50 = -1, से माइनस कैंसिल, y = 1/14। ये आपके पास y की वैल्यू आ गई, मुझे विश्वास है कि अगर आपके पास y की वैल्यू आ गई आप किसी भी इक्वेशन में रखे, तो मैं यहीं रख देता हूँ और फिर t की वैल्यू निकाल लूँगा, तो उसके लिए थोड़ा सा और ऊपर चला जाता हूँ मैं, तो यहाँ पे रखूँगा t = 5 - 21 × y की जगह क्या वैल्यू आई थी, 1/14, तो लिखेंगे 1/14 / 21, तो दिस इज इक्वल्स टू 5 - 21/14 / तो 7 3 = 21 7 2 = 14 3/2 रह गया। आप देखेंगे एलसीएम लेंगे, 5 2 = 10 - 3 10 - 3 क्या होता है 7/2 और ये 21 है,
21, 7, 3 जा 21, 3, 21, तो 1 by 6 आपका t का वैल्यू आ गया, तो t की वैल्यू 1 by 6 आ गई और हमारे पास y की वैल्यू है 1 by 14, लेकिन क्या खत्म हो गया क्वेश्चन? नहीं, अभी तो हमने एज्यूम किया था, इसलिए कलर चेंज कर लेता हूँ, 1 upon b minus s equals to t था, t की जगह मैं 1 by 6 रख देता हूँ, 1 by 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो b minus s is equals to 6, एक इक्वेशन हमारा और बन गया। अब 1 upon b plus s, 1 upon b plus s हमारा y था, तो y की जगह 1 by 14 रख देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, b plus s equals to 14, ये हमारा इक्वेशन। अब b minus s पहले से ही है हमारे पास 6, दोनों को सॉल्व कर देते हैं, सिंप्लीफाई, सिंपल एलिमिनेशन मेथड लगा दिया मैंने, तो 2b equals to 14 plus 6 is 20, b equals 10, एंड b की वैल्यू यहाँ रख देते हैं 10, s की वैल्यू आ जाएगी, तो 10 plus s equals to 14, s की वैल्यू आ गई 14 minus 10 is वैल्यू 4, that is speed of the stream is 4 km per hour and speed of the boat is 10 km. I hope ये statement आप लिख सकते हैं। तो देखा आपने कि मैंने boat वाले काफ़ी सारे questions आपको करके, 3 questions एक previous video में था और 2 आज के video में मैंने आपको करके boat वाले questions दिए। उम्मीद है कि boat वाले questions से अब आपका जो डर है वो ख़त्म होगा। मेरा कहना रहेगा कि आप boat वाले questions ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं। मैं अभी जो आरडी शर्मा के क्वेश्चन है उसको मैं पुश कर दूंगा, इसके अलावा एग्जम्पलार प्रॉब्लम में जो भी आपको दिखेगा वो सारा का सारा आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो बना दिया उसको भी आप रिपीट करें, जितना आप रिपीट करेंगे उतना अच्छा सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी सवाल इससे जुड़ा हुआ जो है अभी लेकर के आऊँगा, अभी ख़त्म नहीं हुआ ये टॉपिक, अभी और जितने भी सवाल हैं सारा का सारा मैं लेकर के आऊँगा। तो ठीक है, आप इसको और पढ़िए और अच्छे से देखिए और शेयर कीजिए। बाय बाय एंड थैंक यू।